सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y28 5G फोन में वीवो वाईफाई कॉलिंग सेटिंग के बारे में, जो कि वीवो वाईफाई कॉलिंग सेटिंग क्या है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने लगा हूं। और साथ में हम बात करने वाले हैं वाईफाई कॉलिंग सेटिंग के बारे में, जो कि आपको वाईफाई कॉल करके दिखाने वाले हैं। तो इन दोनों सेटिंग को कैसे आपको यूज करना है एंड कैसे इनेबल करना है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने लगा हूं। वीवो के Y28 5G फोन में यहां पर आपको कंट्रोल सेंटर पर एक वीवो वाईफाई कॉलिंग देखने को मिल जाता है, जो कि यहां पर सिर्फ लिखा गया है वीवो वाईफाई। यह चीज अगर आपके फोन में शो नहीं कर रहा तो फाइनली आपको कैसे शो कराना है मैं आपको इस वीडियो में चलकर बता देता हूं। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माई YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। अगर आप लोग वीवो का Y28 5G फोन यूज करो, आपके फोन में वीवो वाईफाई का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फोन में यहां पर शो कर रहा होगा वीवो वाईफाई। इसका मतलब अगर आपको जानना है तो फाइनली वीडियो को देख सकते हो। यहां पर इसको कैसे यूज करना है, इसका यूज का मतलब क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूं। और साथ में हम यहां पर वाईफाई कॉल करके भी आपको दिखाने वाले। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपके फोन में ये वीवो वाईफाई कॉलिंग यहां पर शो नहीं कर रहा तो फाइनली आपको ट्रिप पिंसल पर क्लिक करना है। और यहां पर आपके फोन में ये चीज अगर आपके फोन में यहां पर पड़ा हुआ है तो यहां से उठाना है आपको और ले जाकर यहां पर ला कर रख देना है। जबकि आपको यहां पर रख दिखाता हूं, यहां पर रख दोगे तो आपका यहां पर शो कर देगा। अब यहीं से आप इसे इनेबल कर सकते हो, यहीं से आप लोग इसे ऑफ कर सकते हो। अब दोस्तों, इनेबल करके ऑफ भी कर सकते हो, यहीं से आप लोग कर पाओगे एक्सेस। लेकिन ये चीज आपको बताने वाला हूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज और वाईफाई जो होता है दोनों सेम है। यहां पर दोनों सेम है, इसका यूज अलग है, यहां से आपको शॉर्टकट मिल जाता है। अदरवाइज अगर आप अपने फोन के सेटिंग के अंदर आ जाते हो तो यहां पर आपको मिल जाता है नेटवर्क इंटरनेट पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद दोस्तों यहां पर वन नंबर सिम पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके का वाईफाई कॉलिंग एंड वीवो वाईफाई दोनों एक ही है। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे एक है, यहां पर आपको खुद ही देखकर पता चल जाएगा। अब यहां पर ये चीज ऑन है तो यहां पर भी ऑन है, अदरवाइज मैंने इसे ऑफ किया तो यहां पर ऑफ हो चुका है। तो दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज दोनों सेम है आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहां पर मैंने इसे इनेबल किया तो ये चीज इनेबल हो चुका है। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि यहां पर दोनों एक ही है, और यहां पर जब मैं वाईफाई कॉलिंग करूंगा तो हमारे फोन में एक वाईफाई सा सिंबल समझ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का Y28 5G फोन है तो आप लोग वीवो वाईफाई कॉलिंग कर पाओगे। तो यहां पर वाईफाई कॉलिंग करने के लिए फाइनली आपको आ जाना है डायलर के अंदर, ओपन करना है, एंड यहां पर आपको डायल करना है नंबर को। अब यहां पर आपको वाईफाई कॉल करना है, यानी वाईफाई को कनेक्ट करवा लेना है, और यहां पर आपको नंबर पर क्लिक करके एंड यहां से आप लोग वाईफाई कर पाओगे। अगर आपके फोन में डायलर यूज हो रहा है तो फाइनली वाईफाई कॉलिंग आपको दिख नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपके फोन में गूगल डायलर है, यहां पर ऐसा डायलर है, तो आपको वाईफाई कॉलिंग देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, वाईफाई कॉलिंग यूज करने के लिए फाइनली आपको आ जाना है डायलर के अंदर, सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों यहां से बैक करना है। मैं करके दिखाता हूं, बैक यहां से बैक कर लेता हूं। उसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है, ऐप का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा फोन एंड कंटेंट पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद दोस्तों इस चीज को ऑफ करना है एंड ओके पे क्लिक करना है, और आपके फोन में गूगल डायलर आ जाएगा। अब यहां पर गूगल डायलर पे ओपन करते हो और यहां पर आपको एक वाईफाई कॉलिंग मिल जाएगा। मैं करके दिखाता हूं यहां पर वाईफाई कॉलिंग, तो यहां पर आपको देखने मिल जाता है वाईफाई कॉलिंग, यहां पर आपको वाईफाई दिख रहा होगा। तो यहां पर आपको वाईफाई कॉलिंग इस तरीके का मिलेगा, ताकि आपको समझ में आ जाए यहां पर वाईफाई कॉलिंग छपा हुआ है, और इस तरीके से आप लोग वाईफाई कॉलिंग कर पाओगे वीवो के Y28 5G फोन में। एंड किसी भी नंबर से करो तो आप लोग वाईफाई कॉलिंग कर पाओगे आसानी तरीके से। जैसे कि दोस्तों यहां पर मैं इस वाले नंबर पर कर रहा हूं कॉल, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैंने वाईफाई कॉलिंग करके दिखा देता हूं, तो यहां पर भी वाईफाई कॉलिंग हो रहा है आपका। तो यहां पर वाईफाई कॉलिंग मान लेते हैं कि यहां पर अगर आप लोग वाईफाई कॉलिंग कर रहे हो तो फाइनली यहां पर कर पाओगे अपने वीवो के Y28 5G फोन से। और यहां पर आपका वीवो वाईफाई का मतलब होता है वाईफाई कॉलिंग, एंड वाईफाई कॉलिंग आप लोग कर पाओगे। फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहां पर आपको कैसे वीवो वाईफाई कॉलिंग को यूज करना है एंड कैसे वाईफाई कॉल करना है। तो फाइनली आपको समझ में आएगा वाईफाई कॉल करने के लिए फाइनली एक दूसरे डिवाइस से एक वाईफाई कनेक्ट करना है, एंड चाहे आपके घर में वाईफाई है तो उससे भी कनेक्ट करके एंड वाईफाई कॉल कर सकते हो। आपके फोन में कोई भी अलग से चार्ज वगैरह नहीं लगने वाला, फाइनली वाईफाई कॉलिंग अच्छे तरीके से HD में कॉल बात कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी में आपको वॉइस सुनाई देगा, अच्छी क्वालिटी में आप लोग बात वगैरह कर पाओगे। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय दोस्तों।